जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर 2 मार्च से 8 मार्च तक का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर वीकली अपना करंट अफेयर है। तो देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है तो देख लेते हैं। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है अपनी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर MC मेरी कॉम, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखिए 6 बार की विश्व चैंपियन हैं MC मेरी कॉम को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष इनको चुना गया है। और क्या है, विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक्स कांस्य पदक विजेता मेरी कॉम को AIBA के निदेशक बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए इनको चुना गया है। तो मेरी कॉम याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो वह कौन सा देश है, वह देश बताना है आपके लिए, वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर है फिलीपींस, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर यहां पर है। देखिए भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु एक समझौता क्या है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन विकसित और निर्मित किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस है जो इसके द्वारा इसको डिजाइन विकसित और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया है। देखिए आपको यहाँ पर टेस्ट टीम का बताना है, टेस्ट टीम का पूछा है आपसे। तो टेस्ट टीम का जो बनाया गया है किसको बनाया गया है, डीन एल्गर को, डीन एल्गर यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर जो है इनको टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं बोर्ड ने टेम्बा मामुआ को सीमित ओवर के कप्तान के रूप में नामित किया है। बता दें डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक इन्होंने 67 टेस्ट, 8 वनडे और 8 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं। टेस्ट में इनका औसत 39.8 की औसत से रन बनाए हैं और वनडे में इन्होंने 104 रन ही मात्र बनाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख ले। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है तो याद रखिए। तो वह भारत और वह कौन सा देश है जिनके शोधकर्ताओं ने जो है जो इन जो मेंढक हैं इनकी नई प्रजाति 5 नई प्रजाति की खोज की है। तो आपका 4 का राइट आंसर अमेरिका, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजाति की खोज की है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है। कहाँ से खोजा गया है अगर आपसे पूछा जाए इन नई 5 प्रजातियों को खोजा गया है तो पश्चिमी घाटों से इनको खोजा गया है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है यह। बिल्कुल अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो कितने अरब डॉलर इसमें निवेश करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहां पर 5 का राइट आंसर सी राइट आंसर यानी कि 82 अरब डॉलर, 82 अरब डॉलर आपका यहां पर सही आंसर है। देखिए 82 अरब डॉलर इसमें निवेश करने की घोषणा की है। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इसमें सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है, सरकार कर रही है इस योजना पर काम। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि ओडिशा
के मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। याद रखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक हैं। और इन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि 101 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और राज्य के 50,000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे होस्टल्स का उद्घाटन किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने होटल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय होटल कार्ड भी लॉन्च किया। माय होटल कार्ड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है अगर पूछा जाए तो नवीन पटनायक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है। नवीन पटनायक कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहां पर बताना है। विश्व एनजीओ दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, और जो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है वह है आपका राइट आंसर कब मनाया जाता है? तो ये माना जाता है 27 फरवरी को, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। हर साल जो है 27 फरवरी को विश्व स्तर पर एनजीओ दिवस मनाया जाता है और विश्व एनजीओ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को एनजीओ यानी कि चैरिटी, एनपीओ और सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को जो है प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व एनजीओ दिवस का। अगर आपसे पूछा जाए विश्व एनजीओ दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो आपके लिए याद रखना है 27 फरवरी 2014 को पहली बार जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन जो है स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो भाई देश बताना है, एक तो भारत है और दूसरा देश कौन सा है? भाई देश कौन सा है? 8 का राइट आंसर है चीन, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान ये जो है निर्णय लिया गया है और ये घोषणा की गई है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लें ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है आपका ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 28 फरवरी को, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है। देखिए कि प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती हैं। इस दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में विज्ञान की महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो 28 फरवरी 1987 को पहली बार विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार हैं कौन डॉक्टर सूर्यवाला और इनको भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर 10 का 1 यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो जो ये पुरस्कार दिया जाता है यह उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो भारत भारती पुरस्कार है
ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत भारती जो पुरस्कार दिया जाता है वह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह दिया जाता है और अंग वस्त्रम 5,02,000 रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है, आपको दिया था कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है, ये आंसर आपके लिए बताना था। चार विकल्प दिए थे, बहुत सही इसका बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर बताया था। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर क्या था, विकल्प नंबर एक राइट आंसर था, यानी कि नर्मदा। नर्मदा जो है, नर्मदा नदी है इसकी सहायक नदी तवा, तवा की सहायक नदी नर्मदा। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। तवा नदी है जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, तवा नदी, और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमणी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत जो पहाड़ियां हैं यहां से इसका जो है उद्गम होता है। तो ये आपके लिए याद रखना, होशंगाबाद जिला की पचमणी की महादेव पर्वत श्रृंखला की जो कालीभीत पहाड़ियां हैं यहां से कौन सी नदी, तवा नदी का उद्गम होता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। अगला क्वेश्चन आज का चैलेंज प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, वह कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, वह कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। या तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आज का चैलेंज प्रश्न आंसर बनता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।